जो मैं तुम्हें सुना रही थी शहजादी। क्या मतलब हुआ इसका? खुदा के लिए मोहब्बत को समझने की कोशिश कर। तुम बच्चे की तरह तेरी पर जलता हुआ चिराग मिलकर हवा में उड़ते हुए जुगनू को पकड़ने दौड़ रहे हो। तुम उससे मोहब्बत करते हो जो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, जो तुमसे मोहब्बत करती है तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। नतीजा आग और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। घर में लगी हुई आग जलने वालों की पुकार नहीं सुना करती। खामोश रहो वरना मुझे उस सांस की तरह ये सांस भी तोड़ देना पड़ेगा। ये सांस भी तोड़ देना, लेकिन इससे पहले उसकी पुकार सुनो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम लैला से प्यार करते हो, लैला कैस से प्यार करती है, कैस लैला से प्यार करता है। तुम अपनी एक जिद के लिए चार जिंदगियों का खून कर रहे हो। खुदा के लिए लैला को आजाद कर दो। वो हसीन परिंदा इस कफस के काबिल नहीं, उसे उसी बहिष्ट में जाने दो। से बना रखी। अगर लैला को मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो उसने भरी महफिल में मुझसे शादी का इकरार क्यों किया? इकरार किया होता तो आज चार दिन हो गए। हर तरह की खातिर दिलजोई के बावजूद भी वो तुम्हारी तरफ की मायल नहीं होती। यही वो राज है जो मैं तुम्हें समझाना चाहती। लैला कैस की अमानत है। वो अपने घर में रहे, तुम्हारे घर में रहे, जंगल में रहे, जहाँ भी रहेगी कैस की अमानत बनकर रहेगी। मेरी हरम को गैर की अमानत कहते हुए शर्म नहीं आती? नया परिंदा कफस में आते ही मानुष नहीं होता। मेरा सलूक, प्यार का बर्ताव उसे एक दिन जरूर मेरा बना देगा। जो चीज तुम्हारी है ही नहीं, उसे कोई भी तुम्हारा नहीं बना सकता। तुम औरत की आंखों से औरत के दिल की किताब नहीं पढ़ सकते, तो जाओ लैला की आंखों में देखो। अगर तुम्हारी बजाय कैस नजर ना आए तो मुझे आंखों कत्ल कर देना।